नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर इंडिया में। आज हम आप लोगों को हिंदी के बहुत ही सबसे बड़े महाकाव्य कामायनी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। तो चलिए, ये कामायनी का सारांश है हम आप लोगों को बताएंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करिएगा ताकि आपको हम इसी तरह के हमारे जो वीडियो हम अपलोड करेंगे वो सब नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। तो शुरू करते हैं कामायनी महाकाव्य का सारांश जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक जीवन लगभग 1910 से शुरू हुआ है। इसके बाद साहित्य की बहुत सी विधाओं में उन्होंने निरंतर लिखते रहे हैं। प्रसाद जी की बहुत सी ऐसी चर्चित कृतियां हैं जैसे कि आंसू, लहर, कामायनी, ये तीनों तो महाकाव्य है, और स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव श्रावणी, ये सभी नाटक हैं। तितली, कंकाल, ये उनके उपन्यास है। इसके अलावा अनेक कहानियां और गंभीर निबंध भी उन्होंने लिखे हुए हैं। प्रसाद जी का जो साहित्य है उसमें पाठक को भारतीय संस्कृति के निकटतम साक्षात्कार होते हैं। कामायनी के द्वारा सृजित एक ऐसा ही उच्च कोटि का महाकाव्य है जिसकी कथा के संबंध में प्रसाद जी स्वयं लिखते हैं। यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का भी अद्भुत मिश्रण है। इसीलिए मनु, श्रद्धा, ईड़ा आदि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए भी सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। स्थूल रूप में कामायनी का प्रारंभ देव संस्कृति के विनाश से होता है, और यह विनाश भीषण जल प्लावन से हुआ जिसमें केवल मनु जीवित बचे। क्यों? क्योंकि वह देव सृष्टि के अंतिम अवशेष थे। जल प्लावन समाप्त होने पर मानव जाति का विकास हुआ, जिसके मूल में चिंता थी उसके कारण ही मानव में जरा और मृत्यु की अनुभूति जागी। एक दिन काम की पुत्री श्रद्धा मनु के समीप आई, वे दोनों साथ साथ रहने लगे। भावी शिशु भी कल्पना में निमग्न श्रद्धा को एक दिन मनु इच्छावश छोड़कर चल दिए। उनकी भेंट सारस्वत प्रदेश की अधिष्ठात्री ईड़ा से हुई। ईड़ा ने उन्हें शासन का भार सौंप दिया, पर ईड़ा पर मनु के अत्याचार और आधिपत्य भाव को देखकर वहां की प्रजा ने एक दिन विद्रोह कर दिया। मनु आहत हो गए, तभी श्रद्धा उन्हें खोजती हुई वहां आ पहुंची। उनका पुत्र मानव भी साथ में था, किंतु मनु पश्चाताप में डूबे थे। वह उन सबको छोड़कर फिर वहां से चल दिए। श्रद्धा ने मानव को ईड़ा के पास छोड़ दिया, अपने मनु की खोज में चल दिए। उनकी खोज सफल हुई और मनु से मिल गए। अंत में सारस्वत प्रदेश के सभी प्राणी कैलाश पर्वत पर जाकर श्रद्धा और मनु के दर्शन करते हैं। कामायनी आदि मानव की कथा तो है ही, पर इसके माध्यम से प्रसाद जी ने अपने युग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी उभारा है। चिंता से आरंभ कर आनंद तक यह महाकाव्य 15 सर्गों में विभक्त है। यह तो कथा वस्तु वेद, उपनिषद, पुराण आदि से प्रेरित है, किंतु कवि ने मुख्य आधार सतपद ब्राह्मण को स्वीकार किया। सतपद ब्राह्मण को प्रथम कांड 8वें अध्याय में जल प्लावन संबंधी उल्लेखों का संकलन कर प्रसाद ने इस काव्य का कथानक निर्मित किया है। साथ ही उपनिषद और पुराणों में मनु और श्रद्धा का जो रूप वर्णित है उन्होंने उसे भी अस्वीकार नहीं किया। चारों ओर जल ही जल था और तरुण तपस्वी देवताओं की शमशान भूमि में साधना कर रहा था। प्रलय का जल धीरे धीरे उतरने लगा। नौका महावट से बंधी थी। उस पुरुष के हृदय में चिंता का उदय होता है। उसे देव की सृष्टि का स्मरण हो आता है। आरंभिक सर्ग में जल प्लावन, अमृतत्व की अपूर्णता, जीवन और मृत्यु की समस्या पर विचार किया गया है। कामायनी की कथा के 4 भाग है। पहला प्रलय और मनु प्रसंग, दूसरा श्रद्धा मनु सम्मिलन और जन्म प्रसंग, तीसरा ईड़ा मनु संयोग और सारस्वत प्रसिद्ध आख्यान, और चौथा मनु का त्रिपुर दर्शन और कैलाश यात्रा प्रसंग। किंतु प्रसाद जी ने इस महाकाव्य का निर्माण 15 सर्गों में विभाजित करके किया है। कामायनी का सर्ग विभाजन निम्न प्रकार है। पहला चिंतन, दूसरा आशा, तीसरा श्रद्धा, चौथा काम, पांचवा वासना, छठा लज्जा, सातवा कर्म, नवा ईड़ा, दसवां स्वप्न, ग्यारहवां संघर्ष, बारहवां निर्वेद,
13वां दर्शन, 14वां रहस्य, 15वां आनंद। असल में यह मनु के मन में प्रतीक है कि उसके समान ही अस्थिर मति है। श्रद्धा और रीढ़ा क्रमशः उसके हृदय और बुद्धि पक्ष हैं। पहले श्रद्धा की प्रेरणा से वह तपस्वी जीवन त्याग कर प्रेम और प्रणय का मार्ग अपनाते हैं। फिर असुर पुरोहित आकुली और किलात के बहकावे में आकर हिंसा वृत्ति और स्वच्छता के वसुभूत हो श्रद्धा का सुख साधन पूर्ण साथ छोड़ देते हैं। भटकते हुए सारस्वत प्रदेश में जा पहुँचते हैं। श्रद्धा के प्रति मनु के दुर्व्यवहार से क्षुब्ध काम का अभिशाप सुन हताश हो किंकर तो विमूढ़ हो जाते हैं। ईड़ा के ससर्ग से बुद्धि की शरण में जा भौतिक विकास की राह पर चलते हैं और वहाँ भी संयम से अभाव में ईड़ा पर अत्याचार करने लगते हैं। प्रजा से उनका संघर्ष होता है और इस संघर्ष में पराजित और प्रकृति के प्रकोप से विधुप्त मनु जीवन से विरक्त हो पलायन का करते हैं। अंत में श्रद्धा का अनुसरण करते हुए आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करते हैं। मनु अंतिम समय में श्रद्धा की सहायता से ही उच्च भावभूमि पर पहुँच जाते हैं। त्याग और बलिदान का जो संदेश वह सबको देती है उसका पालन स्वयं जीवन भर करती है। प्राणी मात्र के सुख के लिए काम करना ही श्रेयकर है। वह बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का सिद्धांत मानती हुई कहती है, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ और अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। जीवन के सूखे पतझड़ में श्रद्धा हरियाली भर देती है और मानव के पूरक रूप में वह आधुनिक नारी प्रतीत होती है। मनु कृतज्ञता से भर उठते हैं और कहते हैं कि तुम्ही ने मुझे स्नेह दिखाया, हृदय बन रहा था सी पीसा, तुम स्वाति की बूंद बनी, मानस सज्जल झूम उठा जब तुम उसमें मरकंद बनी। प्रसाद ने अपने काव्यों में रूढ़ियों का उल्लंघन करते हुए कथा कथ्य और शिल्प के क्षेत्र में अनेक प्रयोग किए। उनके लिखे मुक्तक, खंड काव्य और महाकाव्य काव्य रूप संबंधी उनकी प्रयोग क्षमता के परिचायक हैं। कामायनी भी विशिष्ट शैली का महाकाव्य है। उसकी गरिमा, उसकी युग बोध, पुष्ट चिंतन, महत्व, उद्देश्य और प्रौढ़ शिल्प में है। उसमें पूर्ववर्ती प्राचीन महाकाव्यों जैसा वर्णनात्मक विस्तार नहीं है, पर सर्वत्र गहन अनुभूति से पाठक सराबोर हो उठता है। प्रसाद के संपूर्ण चिंतन मनन को समेटने वाली कामायनी के माध्यम से कवि ने मानव को महान संदेश दिया है। तप नहीं केवल जीवन सत्य के रूप में कवि ने मानव जीवन में प्रेम की महत्ता घोषित की है। इस जगत में प्रेम ही एकमात्र श्रेय और प्रेय है। प्रेम मानव और केवल मानव की ही विभूति है। मानसरोवर प्राणी चाहे वो चिर विलासी देव हो या चाहे देह और भौतिकता में डूबे असुर, दैत्य और दानव हो, चाहे किन्नर या गंधर्व हो, पशु पक्षी हो, प्रेम की प्रतिष्ठा केवल मानव ने की है। लेकिन प्रसाद ने प्रेम में समरसता और समन्वय का प्रतिपादन किया है। संसार के द्वंद्वों का उद्गम शाश्वत सत्य है। फूल के साथ कांटे, भाव के साथ अभाव, सुख के साथ दुख और रात्रि के साथ दिन, यह चक्र चलता रहता है। मानव इसमें से एक को चुन लेता है और दूसरे को छोड़ देता है, यही उसके विषाद का कारण होता है। अनेक स्थलों पर प्रसाद साक्षात चित्र निर्मित कर देते हैं। मानव की चित्र वृत्तियों का पात्र के रूप में अवतरण और उन्हें मूर्त कर देना ही असाधारण उपलब्धि है। लज्जा, सौंदर्य, श्रद्धा, ईड़ा का मानव के रूप में चित्रण हिंदी साहित्य की अनमोल विरासत है। प्रसाद जी की कामायनी पाठक को शक्ति देती है। पाठक मनु के जीवन से सीखता है और अधिकार की चाह विष है। चाह हो तो केवल सबके कल्याण की। कवि प्रसाद जी ने वास्तव में कामायनी में किसी नायक विशेष की कथा नहीं कही है, बल्कि सांकेतिक रूप से में कवि ने मानव की कथा कही है। इसीलिए प्रसाद जी की अन्य रचनाओं में से उत्कृष्टम काव्य कामायनी माना गया है। कवि एवं रचनाकार के रूप में कवि प्रसाद जी ने कड़ी एवं लंबी यात्रा तथा तपस्या का तप कामायनी जैसी रचना का निर्माण हुआ था। तो ये था कामायनी का सारांश। यदि आपको यह हमारा महाकाव्य अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारा यह वीडियो मिल सके। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।